नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वर में टाइम्स में। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। सबसे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। अंग्रेजी महाविद्यालय बनाने का छात्र कर रहे विरोध, भारत जोड़ो यात्रा पर भाजपा ने कसा तंज, जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे का सीएम ने किया स्वागत, बिलासपुर के सबसे पुराने विज्ञान महाविद्यालय को आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय में परिवर्तित करने की घोषणा के बाद छात्र लामबंद हो गए हैं। निर्णय का चौतरफा विरोध शुरू हो गया है। छात्रों ने इसके लिए विज्ञान महाविद्यालय बचाओ मुहिम शुरू कर दिया है। महाविद्यालय को बचाने के लिए छात्र लोगों का समर्थन मांग रहे हैं और शासन से भी निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं। इधर सहमति असहमति को लेकर अब छात्रों पर दबाव भी बनाया जा रहा है। शहर में 1972 से संचालित विज्ञान महाविद्यालय, जिसे ई राघवेंद्र स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है, राज्य सरकार ने इसे आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय में परिवर्तित करने की घोषणा की है, जिसके बाद शासन व महाविद्यालय स्तर पर इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। महाविद्यालय के तमाम शिक्षकों और विद्यार्थियों से सहमति असहमति पत्र लिया जा रहा है। छात्रों का आरोप है इसके लिए उन पर दबाव भी बनाया जा रहा है, जबकि छात्र विज्ञान महाविद्यालय को अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय बनाने के पक्ष में नहीं है। हम लोग इंग्लिश माध्यम का विरोध नहीं कर रहे, उसका स्वागत कर रहे, लेकिन एक तरफ से इंग्लिश माध्यम को हम लोग को थोपा जा रहा है, वो हम लोग को थोपा ना जाए, क्योंकि साइंस कॉलेज में वैसे भी 75% इंग्लिश में पढ़ाई होती है, लेकिन बस लिखने का दिक्कत होगा, पूर्ण रूप से इंग्लिश कर दिए गए हैं, उसका विरोध कर रहे हैं छात्र। क्या विकल्प हो सकता है इसका? विकल्प है या तो अंग्रेजी माध्यम हिंदी माध्यम अलग अलग पाली में लगाई जाए, या फिर नई बिल्डिंग की व्यवस्था कराई जाए और उसमें छात्र अलग अलग पाली में कक्षा अटेंड कर सकते, इससे ना हिंदी वालों को दिक्कत होगी ना अंग्रेजी वालों को। मांगे नहीं मानी जाती है तो? मांगी अगर नहीं मांगे नहीं मानी जाती तो हम लोग और आंदोलन का तैयारी कर चुके हैं, जैसा कि दिन के हिसाब कल हमने कक्षाएं बंद कराई, हस्ताक्षर अभियान अभी चल ही रहा है और ये निरंतर आगे चल रहा है। अपना नाम बताओ। अंकित राज लहरे, आर्य पैनल अध्यक्ष। इसको क्यों आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है? विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं, अधिकतर बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से, जो कि इंग्लिश मीडियम में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुरंत वो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ सकते हैं ना, क्योंकि वो शुरुआत से ही 12वीं तक जो है हिंदी मीडियम पढ़ते हैं, तो इंग्लिश मीडियम में इनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम जाएगा। अगर इंग्लिश मीडियम कर ही रहे हैं तो दोनों माध्यम प्रदान करना चाहिए, एक हिंदी मीडियम एक इंग्लिश मीडियम, ताकि बच्चे जो है प्रॉब्लम ना जाए। आप लोग इसको लेकर कहीं ज्ञापन सौंपे हैं जी, क्या वहाँ पर कहा गया है, आपको क्या आश्वासन मिला है? हमको ये आश्वासन मिला है कि हमारे मांगें पूरी होंगी और प्रिंसिपल हमारे साथ में है कि इसको हम। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम साक्षी सिंह ठाकुर है। शासन ने इसको अंग्रेजी माध्यम BSc फर्स्ट ईयर से प्रारंभ किया है, इस समय पहले शुरुआत में फर्स्ट ईयर ही रहेगी और उसमें छात्रों से ऑप्शन भी लिए जा रहे हैं जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, और हम और उन्होंने ये भी कहा है कि उससे संलग्न जितने भी संभाग के महाविद्यालय हैं वहाँ भी जो अध्ययनरत छात्र छात्राएँ हैं उनसे भी ऑप्शन ले ली जाए, और इसके बाद जो प्योरली इंग्लिश मीडियम के हैं उन बच्चों को इंटरचेंज करने का प्रोसेस बाद में होगा, तो इस ढंग की स्थिति चल रही है। सर विरोध हो रहा है, आदेश है तो शासन के आदेश में तो जो भी उनके द्वारा उन्होंने अभ्यावेदन दिया है हमने शासन को उसको प्रेषित कर दिया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज आज से होने जा रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की जा रही है। 150 दिन में 3500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। प्रदेश से PCC चीफ मोहन मरकाम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यात्रा में शामिल होने के लिए गए हैं। बता दें भारत जोड़ो यात्रा के तहत जनता के बीच पहुंचकर उनके परेशानियों से रूबरू होने का प्रयास कांग्रेस करेगी। भारत जोड़ो यात्रा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि काफी दिन बाद कोई राजनेता पदयात्रा कर रहे हैं, इसका जबरदस्त असर पूरे समाज में देखने को मिलेगा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि आजादी के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन उनकी सरकार बनने के बाद उनका पतन क्यों हुआ? जिस प्रकार से कांग्रेस चल रही है, भारत कांग्रेस मुक्त होगा। मैं आपको केवल एक उदाहरण बताना चाहता हूं। आजादी के बाद में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से सौराष्ट्र तक कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन कांग्रेस के सरकार रहने के बाद में आखिर उसका पतन क्यों हुआ, उसके लिए जवाबदार कौन है? और आज भी जो मोह बना हुआ है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस चल रही है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के भारत मुक्त, कांग्रेस भारत मुक्त, इसमें अंतिम कील ताबूत में ठोकने वाले इनके नेता होंगे और कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होगा, स्वस्थ भारत यहाँ पर रहेगा और स्वस्थ भारत के साथ में विकास होगा। यात्रा करते हुए 3500 किलोमीटर यात्रा होगी और समझता हूँ
इस यात्रा का उद्देश्य भारत को जोड़ना है। जो सामाजिक दूरियां या नफरत फैलाने की जो कोशिश की जा रही है उसे समाप्त करना। दूसरा, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसे केंद्र सरकार लगातार कमजोर कर रही है। अब लोकसभा में भी महंगाई, बेरोजगारी, इस पर चर्चा नहीं होती, करने नहीं देते। ऐसे में जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं को लेकर बात करना और एक प्रदेश में एक वातावरण निर्मित कि आज किसान, मजदूर, नौजवान, गृहिणियाँ सारे लोग परेशान हैं, महंगाई से, बेरोजगारी से सब त्रस्त हैं। इस सब मुद्दों को लेकर ये यात्रा की जा रही है। अब मैं समझता हूँ कि बहुत दिन बाद कई राजनेता पदयात्रा कर रहे हैं, इसका जबरदस्त असर पूरे समाज पर पड़ेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 सितंबर को प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वागत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ आने के बाद यहाँ के व्यंजनों को वो चखने वाले हैं। वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आत्मसात करें, भाईचारा का छत्तीसगढ़ प्रदेश है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कौशल्या माता मंदिर, गोठान और स्वामी आत्मानंद स्कूल का वो निरीक्षण करें। वही पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री के बयान पर कहा कि क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आने के बाद से छत्तीसगढ़ी व्यंजन का निर्माण हो रहा है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने जब से जन्म लिया था तब से गाँव में उत्सव मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाए जाते हैं और जो भी अतिथि आते हैं उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई तो राष्ट्रीय कार्य समिति को घर पर बुलाकर भोजन कराया। या केवल समाचार पत्रों तक ही क्यों रहते हैं? जो जिनको बुलाना चाहते हैं उनको पेपर में ना रख के उनसे आग्रह करने के लिए उन्हें जाना चाहिए, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से ढिंढोरा पीटने से क्या मतलब। हम स्वागत करते हैं, आए, बढ़िया है। और मुझे पता चला है कि वो सब यहाँ के जो व्यंजन है छत्तीसगढ़ी, किला फरा चौसेला ये सब खा रहे हैं, तो जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति उसे आत्मसात करें। ये भाईचारा, शांति, प्रेम का ये प्रदेश कबीर का है, घासीदास का है, माता कौशल्या का है। मैं इनसे आग्रह करूँगा, कौशल्या माता का मंदिर का जीर्णोद्धार हमने किया, सौंदर्यीकरण किया है, उसे दर्शन करने जाए। गौ माता की बात करते हैं, हम गौठान बनाए हैं, उसे देखने जाए। और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले हैं, उसमें भी वो वहाँ जाके बच्चों से बात करें। तो क्या नहीं तो क्या भूपेश बघेल के आने के बाद में यहाँ पर छत्तीसगढ़ी व्यंजन का निर्माण हो रहा है, त्यौहार हो रहा है? मुझे लगता है कि हम लोग जन्म नहीं लिए थे तब से यहाँ गांव में उत्सव मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाया जाता है और जो भी हमारे अतिथि आते हैं यथा योग्य स्वागत सत्कार किया जाता है। यदि वो मुख्यमंत्री ये चाहते हैं तो उनको मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे और राष्ट्रीय कार्य समिति हुआ तो राष्ट्रीय कार्य समिति को बीजेपी के पूरा बुला करके उन्होंने अपने घर में भोज कराया। ये केवल समाचार पत्रों तक क्यों रहते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास में या जिनको बुलाना चाहते हैं पेपर में न रह करके उनसे आग्रह करने के लिए उनको जाना चाहिए। अरे यदि उनके पास समय हो तो बाकी वो जानेंगे, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से ढिंढोरा पीटने से क्या लाभ है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।